नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना, इस वक्त हम सुरसंद विधानसभा में और कुम्मा पंचायत में हम आए हुए हैं, जो और कुम्मा गांव में है, और ये कई नंबर ये है, तीन नंबर वार्ड में आए हुए हैं। और यहाँ जो हम देख रहे हैं TW रोड है, जो ग्रामीण TW रोड है, और रोड यहाँ 2 साल या 3 साल पहले पास हुआ और बनाया गया। देखिए क्या स्थिति है, क्या बुरी स्थिति है। देखिए हमारे कैमरामैन सब दिखलाइए, छोड़िए ना, आपको रुकिए ना पहले कैमरा में, आपको देखिए क्या स्थिति है। तो चाची आपका घर कौन सा है? ये है ये घर, सब गिर मरा। तो अच्छा, तो चाची ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो आप दुर्दशा में हैं, तो क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, छोटा या बड़ा, क्या वो सबसे आप बात नहीं की है कि कौन आया जी? तो उनका क्या कहना? कोई नहीं सुनवाई ले रहा। अच्छा, कह रहा है गरीब आदमी का वो माय पानी सब सरकारियों नाला के भर दिए हुआ। अच्छा, हमारा नाला था सब यहाँ वाले भर दिया। अच्छा, देखो घर के सामने पानी, वो माय पानी गिर के घर गिर गया। देखिए क्या स्थिति है यहाँ के, स्थिति को देखिए कि जो नाला पहले बना हुआ था लेकिन पानी ना निकासी के निकासी रोक दिए। अच्छा, नाला का घेर दिया गया है पानी को, सब मर मर के दौड़ रहा है, दो आदमी का पानी गिरा और बोल रहे थे सब मर मर के दौड़ रहा है, घर में है पानी हमारा। अच्छा अच्छा, देखे ना आप ही देखे। अच्छा जी, सब अपना अपना रोशनी खा नाला। देखिए क्या स्थिति है हमारे बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस ठेकेदार पे और यहाँ के जो इंजीनियर है और यहाँ के जो काज करता है उस पे जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, दिखाइए हमारे कैमरामैन ये पूरा दिखाइए। देखिए क्या नाम है, क्या महसूस हो रहा है इस रास्ता पे? खराब है, अगर गिर जाइएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ समझ में आता है, वोट लेने के दिन पब्लिक से वोट लेने के, देखिए कचरा। और हमारा मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में सबसे नंबर वन कचरा। आप बोलते रहिए बस। तो यहाँ के लोगों में भी बहुत सारा कमी है, और यहाँ के जो लोगों के बच्चे हैं उसके अंदर शिक्षा तो है नहीं, कुम्मा पंचायत में तो शिक्षा है नहीं, खाली अनशन बकने के लिए, गलत मजाक उड़ाने के लिए। अरे इसीलिए तो कोई चैनल वाला तुम्हारा काम करने के लिए और तुम्हारे सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन दबंग बिहार आया है, लेकिन तुम लोग तो ऐसे ही सब चिल्लाते हो। तो हमारा कैमरामैन से कहना है कि दिखलाइए ये दुर्दशा। हट जा बाबू, देखिए क्या कचरा है, कुआं, अगर इसमें कोई भी बच्चा। अच्छा बाबू, ये कुआं है? नहीं नहीं, इधर पानी है। अच्छा पानी है और कचरा अचरा, देखिए वो यहाँ होना चाहिए कूड़ादान, यहाँ कूड़ादान होना चाहिए लेकिन कूड़ादान नहीं है। अच्छा इस पे कचरा कौन बाबू गिरा रहा है? इस पे कचरा कौन गिरा रहा है? कौन, गांव वाला की बाहर वाला? घरारी का जमीन है। अच्छा, जब घर आ जाएगा तो घर बन जाएगा, तो कचरा वाला नहीं है। कौन गिरा रहा है? पूरे मोहल्ला का, गांव का। तो आप कचरा के लिए रोकते नहीं हैं? रोकते हैं, जब हम लोग बटा जगह बनेगा तो घर बन जाएगा, तो जहाँ फेंक। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। जमीन है, देखिए कितना, कम से कम 10 है, ये 50 होगा, ये चल सब रिकॉर्ड कीजिए, ये पानी का भी रिकॉर्ड कीजिए, और घर वाले से भी जरा पूछते हैं क्या नाम है आप लोग का। अरे भागिए नहीं, सब रिकॉर्ड कीजिए, पूरा रिकॉर्ड। देखिए ये स्थिति है, स्थिति है जो यहाँ राजनीति होता है, लेकिन विकास का राजनीति नहीं होता है, विकास का राजनीति नहीं होता है। देखिए यहाँ घेरा दिया हुआ, यहाँ कौन घेरे हुआ है बउआ, या कौन घेरे हुआ है? जमीन वाला लोग। अच्छा, जमीन वाले लोग, घर भैया लोग, तो नुकसान तो उसी का ना होगा, नुकसान उसी का होगा। चल पहले बात तो सुनिए, पानी का वीडियो बनाओ ना, पानी पुरानी का वीडियो बनाओ।
पानी गिराने का साधन नहीं है, यहाँ कोई पानी गिराने का स्थिति नहीं है, यहाँ लोगों को चलने का स्थिति नहीं है। हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो विधायक साहब है और यहाँ के जो एमपी साहब है, जो भी जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो ठेकेदार है, इन पे आवे और कड़ी से कड़ी ध्यान देके और इस काम को चालू किया जाए। अगर ये काम न चालू हुआ तो दोबारा हम 10 चैनल को लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम रैली आएंगे। अगर गलत हम अगर गलत है तो मेरा जांच करे और मेरे ऊपर केस करे और हमको अंदर भेज दे, हमको कोई परवाह नहीं है। हम पब्लिक के लिए काम किए हैं, पब्लिक को लिए ही काम करेंगे, चलते हैं हम आगे। चलिए दिखलाइए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, बुरा है। थोड़ा जाए ना, थोड़ा स्कूल में जाकर पढ़ लेते ना तो दिमाग अभी आ जाती पास में, अच्छा रहेगा। क्या नाम है साला? सब चलिए मत बोलिए, मत बोलिए, इधर आइए। बोल रहे कितना दिन से ये दुर्दशा है? 5 साल, बहुत सालों से है, बोले 10 साल से। किसी से मिले नहीं? और आप लोग नाला को क्यों घेरे हुए हैं? लोगों का कहना है कि घरवैया सब भी घेरे हुआ है। इधर इधर इधर। नहीं नहीं, आप मत बोलिए, आप बोल लेंगे। नहीं नहीं, आप कैमरा पे नहीं आ रहे हैं, आप मत बोलिए, कैमरा पे आपको शर्म लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे घेरा हुआ है तो हम लोग। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसे ऐसे लोग यहाँ के होते हैं कि हिंसा करते हैं, मतलब हिंसा करते हैं कि वो बंद किया है तो हम भी बंद कर देंगे। अरे नुकसान आप लोग का होगा, मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम आ जाए हैं लेकिन आपके विकास के लिए, आपके काम के लिए हम आए हैं। लेकिन आप लोग को अकर लग रहा है कि नहीं, ये चाइना वाला ये गलत सोच है। तो चलो, हाँ चाची आपका क्या नाम है? अफसाना खातून। तो चाची ये जो देख रहे हैं इतना अचरा कचरा, गंदगी, पानी और साफ सफाई नहीं है, कैसे आप लोग खाना पीना खाते, कैसे चलते हैं? बीमारी का घर है। अच्छा, घर है कि ना, इसी में बीमारी पैदा होता है। अच्छा, तो यहाँ कभी नाला बना था? नहीं, कोई नहीं बनाता है नाला। नाला कभी नहीं बना था? नहीं बनाता है कोई। अच्छा, तो चलिए ठीक है। क्या नाम है आप लोग का? जरा 2 मिनट बात कीजिए चाची, बात कीजिएगा तो यहाँ आपका सुधार होगा, नहीं कीजिएगा तो आप लोग अपने जहन्नम में रहिएगा। जो जहन्नम कुम्मा पंचायत में बना के रखे हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के नेता, चुटपुटिया नेता से लेके बड़ा नेता, ये सब घोटाला मार रहा कितने दिन से है? बहुत दिन से है। तो इनसे आप किसी जनप्रतिनिधि को या किसी ठेकेदार को या ब्लॉक में भी जाके राय मशवरा लिए कि नहीं? या पंचायत में? ना लिया। तो ऐसे ही मतलब से गिरते पड़ते रहिएगा? आता है या वोट दे देता है या भाग जाता है, हम ही सब गुहे खींचते देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ जो साइकिल से आते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि को सूझ होना चाहिए, यहाँ के नेताओं का सूझ होना चाहिए और यहाँ के ठेकेदार को सूझ होना चाहिए, जो यहाँ का बिल पास करके पैसा निकाल के और अधूरा काम छोड़ के ये भाग गए हुए। तो हम पास हो चुका है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है और जो भी ग्रामीण है, जो भी नीचे से लेके ऊपर तक और जो भी पदाधिकारी है, इन पे आवे, कुम्मा पंचायत में आवे और जांच करे और इन पे अच्छा से अच्छा काम करने का लोगों को सहायता दे। जय हिंद, जय बिहार।